नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। चलिए आज हम बहुपद के लास्ट प्रक्रिय प्रश्न संग्रह पर पहुंचे हैं। प्रक्रिय प्रश्न संग्रह पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है और इसका उपयोग भी करके हमें प्रक्रिय प्रश्न संग्रह 3 हल करना है। ठीक है, चलिए। अगर आप किताब लेके बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3.1 में हमने क्या सीखा? पहले हमने 3.1 में सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद को हम किस तरह पहचानेंगे। तो यदि बहुपद का घात वास्तविक संख्या, बहुपद का घात प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, तो हम उसे बहुपद का घात, जो अगर प्राकृतिक संख्या तो उसे हम बहुपद कहेंगे। फिर हमने क्या सीखा 3.1 में कि किस तरह हम बहुपद का घात डिसाइड करते हैं, महत्तम घात। तो बहुपद का जो सबसे बड़ा घात रहता है वही बहुपद का घात होता है। अगर बहुपद का महत्तम घात 7 है तो दिए गए बहुपद का घात कितना होगा? 7। ठीक है, फिर हमने उसमें बहुपद के प्रकार पढ़े, रेखीय बहुपद, वर्ग बहुपद और घन बहुपद। यदि रेखीय बहुपद में यदि बहुपद का घात 1 हो, पूरे बहुपद का घात महत्तम घात 1 हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। और वर्ग बहुपद यदि बहुपद का महत्तम घात 2 हो तो उसे वर्ग बहुपद कहते हैं। घन बहुपद यदि बहुपद का महत्तम घात 3 हो तो उसे घन बहुपद कहते हैं। और हमने बहुपद का दूसरा प्रकार भी देखा था, एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद यदि बहुपद में सिर्फ एक और एक ही पद हो तो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। और द्विपद बहुपद किसे कहते हैं? यदि बहुपद में सिर्फ और सिर्फ 2 पद हो तो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था 3.1 में? बहुपद की यदि 3 पद हो, ना 3 ही पद हो तो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। इस तरह हमने बहुपद के 2 प्रकार 3.1 में पढ़े। फिर हमने 3.1 में क्या देखा? बहुपद का मानक रूप देखा। फिर हमने बहुपद का क्या देखा? गुणांक रूप देखा। इस तरह हमने 3.1 प्रश्न संग्रह को हल किया। ठीक है, फिर हमने 3.2 में हमने क्या देखा कि किस तरह अक्षर का उपयोग करके हम शाब्दायिक प्रश्न को बहुपद में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने क्या देखा? किस तरह 2 बहुपदों को हम जोड़ते हैं सजाती पद एकत्रित करके। फिर हमने क्या देखा कि किस तरह बहुपद को हम घटाते हैं एकत्रित करके। फिर हमने क्या देखा? बहुपद का गुणा देखा और बहुपद का भाग देखा। तो इस तरह हमने 3.2 में ये पढ़ा। आगे है 3.3। 3.3 में हमने संश्लेषात्मक विधि से भाग देखा कि किस तरह हम भाग संश्लेषात्मक विधि से दे सकते हैं। और फिर हमने 3.4 में हमने क्या देखा कि किस तरह हम यक्स पी एक्स बराबर, जो पी एक्स बराबर बहुपद लिखते हैं और उसमें हम मान रखकर किस तरह हम समीकरण को हल करते हैं। 3.5 में हमने देखा शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय। ठीक है, गुणनफल, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड और शेषफल प्रमेय क्या है? जो चीज हमें भाग दे संश्लेषात्मक विधि से भाग देने पर शेषफल जितना आता है उतना ही हमें पी माइनस एक्स का वैल्यू रखने पर वही चीज आती है, वही आंसर आता है, इसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। फिर हमने क्या देखा? गुणनखंड प्रमेय, यदि हमें जो बहुपद दिया गया है उसके दूसरे बहुपद में भाग देने पर मान रखने पर ही हमें क्या हो, पी एक्स दिया हुआ है और बहुपद दिया हुआ, तो एक्स में हमें जो मान दिया गया है 0, 1, 2, 3, अगर जो भी मान रखने पर एक्स की जगह बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वह बहुपद उस बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह हमने 3.1, 2, 3, 4 एंड 5 हल किया। अब यही पांचों प्रश्न संग्रह का उपयोग करके हमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 हल, सॉरी, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 हल करना है। चलिए आइए देखते हैं 1 बाय 1। ये है हमारा उप घटक, क्या है हमारा? प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से
उचित विकल्प यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आप जब एग्जाम होगा तो क्वेश्चन नंबर वन यही रहता है कि हम लोग को चार विकल्प दिए रहते हैं और उसमें से हमको एक आंसर ढूंढ के लिखना रहता है। तो इसमें आपको ओवर राइट नहीं चाहिए, पीछे आप क्या कीजिए, पेज पे हल कर लीजिए और जो आंसर है ए बी सी वह लिखिए और आंसर के सामने जो उत्तर है वो हमें लिखना है, ठीक है। चलिए एक बार एक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का पहला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? ए एक्स बटे वाई, बी एक्स की घाते करणी में दो माइनस थ्री एक्स, सी एक्स की घाते माइनस दो धन सात, ठीक है यहाँ पर। फिर डी करणी में दो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो ए है एक्स बटे वाई वहां पर चरांक कहाँ है, इसका चरांक वाई वो नीचे है हर में, हमने पहले ही देख चुके हैं। अगर बहुपद में अगर चरांक हर में हो तो उसकी घात माइनस वन हो जाती है और माइनस वन होने पर वह प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाती, तो इसके लिए पहला वाला बहुपद नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं यक्स करणी में दो, तो यहाँ पर क्या है, घात जो है वो करणी में है, हमें अगर करणी में घात है तो हमें वो भी बहुपद नहीं है। तीसरा आप क्या देख सकते हैं, यक्स की घाते माइनस दो प्लस सेवन, तो यक्स की घाते माइनस दो है, हमें बहुपद के लिए घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमेशा घात धनात्मक और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर तीसरा भी सी भी बहुपद नहीं है। अब डी देखिए, करणी में दो यक्स स्क्वायर प्लस हाफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्स की घात धन दो है, यक्स की घात कितनी है, धन दो है, तो यह एक बहुपद है। हमें कौन सा आंसर यहाँ पर मिला, डी करणी में दो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, करणी में सात किस बहुपद का घात बताइए, करणी में सात किस बहुपद का घात बताइए। तो कि भी हम लोग 3.1 में पढ़ चुके हैं कि स्थिर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद यानी कि सिर्फ संख्या होगी, तो अचर बहुपद का घात जो है वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए हमारा दूसरे का उत्तर क्या है, जीरो, यानी कि डी जीरो, ठीक है। जीरो बहुपद का घात कितना होता है, अब जीरो का घात आप कितना भी कर दीजिए, धनात्मक कीजिए, ऋणात्मक कीजिए, पूर्ण संख्या कीजिए, पूर्णांक संख्या कीजिए, परिमेय संख्या कीजिए, तो जीरो जीरो ही रहेगा। इसके लिए हम निश्चित नहीं कर सकते कि जीरो बहुपद का घात कितना होगा, इसके लिए कौन सा आंसर आया, सी, निश्चित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसकी आप कितनी भी बड़ी घात कर दे, लाख करोड़, वो जीरो ही रहने वाला है, इसलिए हम उसकी घात को निश्चित नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की घाते तीन सात किस बहुपद का घात बताइए। तो हम 3.1 में देख चुके हैं कि बहुपद का घात जो सबसे बड़ा बहुपद में जो सबसे बड़ी घात रहती है वही बहुपद का घात होता है। तो हम इसमें बहुपद में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, तीन, तो आंसर कौन सा आएगा, ए तीन। आपको आंसर ए भी लिखना है और ए के आगे कौन सी संख्या लिखी है या कि कौन सा उत्तर लिखा है वो भी लिखना है, तभी आपको एक नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। आगे है, यक्स की घाते तीन माइनस वन इस बहुपद का गुणांक स्वरूप कौन सा है, यक्स की घाते तीन माइनस वन इस बहुपद का गुणांक स्वरूप कौन है। अब आप देख सकते हैं यक्स की घाते तीन, तीन के बाद यक्स की घाते दो नहीं है, फिर उसके बाद यक्स की घाते एक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस सबको जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यक्स की घाते का तीन गुणांक कितना है, एक, यक्स की घाते दो का गुणांक जीरो, यक्स की घाते वन का गुणांक जीरो, और इसके बाद कौन सी संख्या बचती है, माइनस वन। तो हमारा उत्तर कौन सा है, सी, वन जीरो जीरो माइनस वन, ठीक है। आगे चले, सदमा देखिए, यहाँ पर टी एक्स बराबर एक्स की घाते दो माइनस सात करणी में, सात करणी में सात एक्स धन तीन, तो पी सेवन करणी में सेवन कितना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको हल करके दिखाया है, आपको जगह पे हल नहीं करना है,
पीछे रफ पेज पे हल करना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए हल किया है कि पी सात करनी में सात, हम लोग जहां पर भी एक्स है वहां पर हम लोग को क्या रखना है, सात करनी में सात। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा है, सात करनी में सात का वर्ग माइनस सात करनी में सात गुणे फिर एक्स है तो एक्स की जगह सात करनी में सात धन तीन। ठीक है, सात का वर्ग कितना हो गया 49, करनी में सात का वर्ग सात माइनस सात का वर्ग 49, करनी में सात गुणे सात कितना हो गया सात धन तीन। तो आप देख सकते हैं कि 49 इंटू 7 दोनों कट गया क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, हमारे पास क्या बचा सिर्फ तीन। तो उत्तर कौन सा आएगा, ए तीन। ठीक है, आगे देखिए, बहुपद 2x3 धन 2x में यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की घात जहाँ पर x x है क्वेश्चन नंबर 7 में जहाँ पर भी x है वहां पर हमको क्या रखना है -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने रखा है, हल करके दिखाया आपको कि 3x/2x3+2x तो 2 × -1 का घन प्लस 2 × -1। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक ही होता है, तो 2 × -1 का घन -2, तो -1 का घन -1, तो 2 × -1 -2 -2 कितना हो गया हमारे पास -4। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आया, सातवें का डी -4। ठीक है, फिर आंसर आगे देखिए, बहुपद 3x² + mx का x बराबर 1 एक गुणांक हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, गुणांक यानी कि हमें px बराबर कितना मिलने वाला है 0। तो px बराबर 3x² + mx, ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, सेम ऊपर वाले के जैसे करना है। तो px की जगह आपको क्या रखना है 0 और x की जगह क्या रखना -1। तो जहां पर भी x बराबर px = 0/3 × -1 तो जो उत्तर आएगा उससे हमें m का मान निकालना है। तो आप इसमें आप खुद करके देख सकते हैं कि ये आएगा कि b आएगा कि c आएगा कि d। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है तो वो इजी है, आप लोग कर सकते हैं आराम से उसको। आगे देखिए कि 9th क्वेश्चन हम देखेंगे कि x का वर्ग -3 ब्रैकेट में 2x - 7x का घन प्लस 4 के गुणनफल से प्राप्त के गुणनफल से प्राप्त बहुपद का ज्ञात करो। क्या घात क्या ज्ञात करना है हमको, घात। ठीक है, घात ज्ञात करना है। तो x² - 3 का गुणा हमें किस बहुपद में करना है, 2x - 7x का घन प्लस 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले x² का गुणा दूसरे वाले पूरे बहुपद में करेंगे, यानी कि x² (2x - 7x) का घन धन 4, फिर -3 का गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे -3 (2x - 7x) का घन प्लस 4। ठीक है, चलिए एक वन बाय वन हम गुणा करते हैं। घात मैंने ब्लू कलर से लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर x² का गुणा 2x में हुआ तो कितना आया, 2x का घन फिर -7x का घन गुणे x² कितना आएगा, 7x की घात है 5, फिर 4 का गुणा x² में आएगा तो कितना आएगा 4x². इस तरह हमारा पूरा पहला ब्रैकेट खत्म होता है। फिर -3 का गुणा दूसरे ब्रैकेट में -3 × 2 कितना हो गया 3×2 = 6x −+7 × 21 x³ = 3 −4 × -3 = 4 × 12 -12 हो गया। अब हम लोग सजातीय पद जो दिख रहे हैं हमारे, सजातीय पद को एकत्रित करेंगे। सजातीय पद मतलब एकत्रित करना का अर्थ क्या होता है, कि समान घात वाले पदों को साथ में रखना। तो आप सबसे बड़ी घात कौन सी पहले देख लीजिए, -7x^5 +21x^3 फिर यहाँ पर 2 + 2x^3 +4x² - 6x - 12। तो पहले 5 आया, फिर 3 आया घात, फिर 2 आया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि बहुपद का घात बताना है। तो आप देख सकते हैं कि इस बहुपद का महत्तम घात कितना है, 5। तो आंसर इज ए 5। एक आंसर उत्तर क्या है, ए ऑप्शन आएगा ए, लेकिन उत्तर कितना है 5। तो
इस तरह में पेपर पर क्वेश्चन नंबर वन में किस तरह हम उत्तर लिखेंगे तो हमें पूरा में से पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर वन का टेन, निम्नलिखित में से रेखीय बहुपद कौन सा है। अभी हमने डिस्कस किया कि 3.1 में बहुपद के प्रकार देखे हमने, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि रेखीय बहुपद का अर्थ क्या होता है, कि जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, एक, उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन क्या है, यस प्लस फाइव। बी ऑप्शन क्या है, एक्स की घाते 3 - 5। सी ऑप्शन क्या है, एक्स की घाते 3 - 5, दोनों भी वही है। और बी क्या है, डी क्या है, एक्स की घाते 4 - 5। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में एक घात है, ए। वहां पर आप देख सकते हैं यस प्लस फाइव, तो यहाँ पर यक्ष की घात एक, तो यह एक रेखीय बहुपद है। और दूसरा वाला देखिए बी, वहां पर घन है, तो तीसरे वाले में भी 3 घन है, मतलब कि घात 3 है, तो वो सब घन बहुपद है। और चौथे वाले में तो आप घात 4 है, तो वो वहां पर अलग वहां पर वो बहुपद के प्रकार में नहीं आता है। ठीक है, हमारा उत्तर क्या है, ए यक्ष घन 5। हमें आराम से यहाँ पर पहचानने में आ गया कि कौन सा रेखीय बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो एकदम इजी 3.1 में हम हल कर चुके हैं कि कौन से बहुपद का कितना घात है। पहला आप देख सकते हैं 5 + 3x^4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्तम घात कितनी है, 4। तो इस तरह उत्तर आएगा, बहुपद का घात कितना आएगा, 4। दूसरा आप देख सकते हैं 7। अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन में देखा, यदि अचर बहुपद, अचर मतलब सिर्फ संख्या एक भी है जो चेंज नहीं हो सकता, हमेशा अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0। यहाँ पर 7 का बहुपद का घात कितना आया, 0। आगे क्या है, ax7 + bx^9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि bx^9 यानी कि बहुपद का महत्तम घात कितना है, 9। ठीक है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ए बी यह सब क्या है, अचर संख्या है, यहाँ एक जो सीधी अचर मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बहुपद का महत्तम घात कितना, आपको बहुपद दिया गया है, आपको उसमें ढूंढना है कि इसमें महत्तम घात सबसे बड़ी घात कौन सी है, फिर हम उसमें उत्तर लिख सकते हैं कि बहुपद की घात निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित बहुपदों का मानक रूप लिखिए। हमने 3.1 में हल कर चुके हैं मानक रूप, तो आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है 4x^2 + 7x^4 - x^3 - x+9। तो आप पहले में देख सकते हैं कि मानक रूप क्या हमको लिखना, अवरोही क्रम में, पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर दूसरे छोटी घात, फिर लास्ट में संख्या। तो आप देख सकते हैं 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी घात की संख्या 7x^4 - x^3 + 4x^2 - x+9, बहुपद का मानक स्वरूप। मानक स्वरूप मतलब हमको उसको लाइन से लगाना है कि सबसे पहला घात कौन सा है बड़ा, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में संख्या। ठीक है, तो आप लोग चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हम बहुपद का मानक रूप लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, p + 2p^(10p²) + 5p^(4 - 8)। तो यहाँ पर हम लोग, चलिए सबसे बड़ी घात कौन है, 4, तो 5p^4 + 2p^3 फिर 10p²(p - 8)। तो यहाँ पर आप ये इसमें भी वही करना है, सबसे बड़ी वाली घात की संख्या को पहले लिखना है, फिर उससे छोटी वाली बहुपद, उसके बाद वाला, उसके बाद फिर हम लोग घात ढूंढना है कौन सा बड़ा है, और लाइन से उसको अरेंज करना है, बस यही बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुपद का गुणांक रूप लिखिए।
ये भी हमारे 3.1 में हमने देखा किस तरह हम दिए गए बहुपद का गुणांक रूप लिखते हैं। पहला देखिए x की घाते 4 धन 16, x की घाते 4 धन 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की घाते 4 धन 16, 4 के बाद 3 घात नहीं दिया, 2 घात नहीं दिया, 1 घात नहीं दिया, सीधा हमें संख्या 16 दे दी है। तो हम क्या करेंगे, पहले उससे हम घात को मानक स्वरूप देंगे, फिर उसके बाद हम उसका गुणांक स्वरूप लिखेंगे। तो यक्ष घाते 4 धन 16 का गुणांक स्वरूप, यक्ष की घाते 4 धन 0, यक्ष की घाते 3 धन 0, यक्ष का वर्ग धन 0x+16। तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया, मानक रूप हो गया, अब इसे हम गुणांक रूप हो गया देखिए लिखेंगे। यक्ष की घाते 4, यक्ष की घाते 4 के आगे आप कौन सी संख्या देख सकते हैं, लिखा नहीं है लेकिन वहां अंडरस्टूड है। यक्ष की घाते 4 के आगे 1 है, हमने 1 लिख दिया। यक्ष की घाते 3 के आगे कौन सी संख्या है, 0 है, 0 लिख दिया। यक्ष के स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है, 0 0 लिख दिया। यक्ष के साथ कौन सी संख्या है, 0, फिर उसके बाद कौन सी संख्या बची, 16। इस तरह हमने बहुपद का गुणांक रूप लिख लिया। पहले देखिए जैसे हमें यक्ष की घाते 9 धन 1 दे दिया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्ष पहले 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, तो हम सब बहुपदों का गुणांक 0 कर करके उसका घात अरेंज करेंगे और लास्ट में +1 जो है दिया गया वो लिखेंगे, तो उस तरह हमारा बहुपद का गुणांक हो जाएगा। तो उसका गुणांक स्वरूप क्या आएगा, 1 फिर 0 0 0 करके ऐसे लास्ट में 1, ठीक है। तो हमें कितना भी बड़ी संख्या दे रहे हैं हम उसका आराम से गुणांक स्वरूप कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का दूसरा, एम की घाते 5 धन 2m² + 3m + 15, ठीक है। यहाँ पर 5 घात दिया है, 4 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, 2 दिया और 1 दिया है, तो 3 और 4 नहीं दिया। हम पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप देंगे, m की घाते 5 धन 0m² + 3m + 15। तो m की घाते 5 के साथ कौन सी संख्या है, 1, m की घाते 4 के साथ कौन सी संख्या है, 0, m की घाते 3 के साथ कौन सी संख्या है, 0, m स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है, 2, m के साथ कौन सी संख्या है, 3, और उसके बाद क्या दिया है, 15, ठीक है, बराबर है। तो इस तरह हमने संख्या गुणांक स्वरूप को हमने बहुपद का गुणांक स्वरूप लिख लिया, ठीक है। आशा है मुझे अब आप लोगों को बहुपद का गुणांक स्वरूप मानक स्वरूप लिखने आ गया होगा। चलिए अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्नलिखित गुणांक रूप को घातांक रूप में लिखिए, ये हमें यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित बहुपदों को क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित गुणांक रूपों को घातांक रूप में लिखिए, और क्वेश्चन हमें दिया गया ब्रैकेट में कि चरांक यक्ष का ही उपयोग करना है। तो आप इसमें अपने मन से दूसरा चरांक का उपयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं लिखा रहता कि चरांक यक्ष का उपयोग करो, तो हम लोग कोई भी चरांक का Y, Z, A, B, C कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पहले से दिया गया है कि चरांक यक्ष का उपयोग करके लिखो, ठीक है। अब पहला देखिए, 3, -3, -2, 0, 7 और 18। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लास्ट की संख्या 18 है वो तो संख्या है, उसके साथ हम लोग को एक्स नहीं लगाना, ठीक है, +18 लिख दिया हमने। लेकिन अब उसके बाद कितना बचा, यहाँ पर 3, -2, 0, 7, कितनी संख्या बची, 1, 2, 3, 4। तो हमें क्या करना है, एक्स की घाते 4 देना है। फिर यहाँ पर देखिए 3x² - 2x³ +0x² + 7x + 18। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि हमें गुणांक स्वरूप दिया गया है, हमें उसको घातांक स्वरूप में लिखना है। तो ऐसे हमने को क्या करना है, जो लास्ट में संख्या रहती है उसको 18 यहाँ पर दिया गया है, तो उसको वैसे ही +18 कॉपी करना है। फिर आगे हम लोग को कितनी संख्या है, 4 है 5 है, तो उतना उसका पहली वाली संख्या का घात लिखना है। यहाँ पर देखिए 4 संख्या है 18 को छोड़कर, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3x² - 2x² + 0x + 7x + 18, ठीक है, लिख दिया हमने। अब आगे देखिए दूसरा, 6 1 0 7, 4 संख्या यहाँ पर,
हमने 7 को वैसे ही लिख दिया, लास्ट में प्लस 7 लिख दिया यहाँ पर। अब 7 को छोड़कर कितनी संख्याएं बचती है? 3, 6, 1 और 0। हम क्या करेंगे, 6 को 3 घात लिखेंगे, पहली वाले तो पहली संख्या, उसके साथ कितनी घात लिखेंगे, 3। तो 6x का घन प्लस x² प्लस 0x प्लस 7, ठीक है। तीसरा देखिए, 4, 5 माइनस 3, 0। 4, 5 माइनस 3 और 0, प्लस 0 लास्ट में लिख दिया। 0 को छोड़कर कितनी संख्याएं बची, 3। तो हम लोग को पहली संख्या के साथ क्या घात लिखेंगे, 3। तो 4x का घन प्लस 5x माइनस 3x प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर 5x² लिखना भूल गया है, तो यहाँ पर देखिए 4x का घन प्लस 5x² आएगा, गलती से छूट गया, तो वहां पर 2 आएगा। हम माइनस 3x की घात 1। तो इस तरह हमने गुणांक स्वरूप को घातांक स्वरूप लिखा है। अब जैसे आप देखिए 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, तो लास्ट वाला 5 आप वैसे उतार दीजिए प्लस 5। अब कितनी संख्याएं बची, 3, 1, 3, 4, 1, 3 और 4। तो 1 के साथ कितना घन लिखेंगे, 1x का घन प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इस तरह हमें घातांक स्वरूप लिखना है। तो आपको गुणांक स्वरूप दिया गया है, तो गुणांक स्वरूप में जो लास्ट वाली संख्या उसको वैसे ही कीजिए, और जो लास्ट आगे गिनना है कितना है, गिनने के बाद पहली वाली संख्या का उतना ही घात लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। हमने 3.2 में बहुपदों का जोड़ घटाना यह सब देखा, चलिए आइए जोड़ते हैं। 5x² माइनस 2y प्लस 9 पहला बहुपद, दूसरा क्या है 3x² प्लस 5y माइनस 7, ये पहला बहुपद हो गया और दूसरा बहुपद हो गया। तो आप लोग मैं देख सकते हैं कि मैंने सेम कलर से जो अंडरलाइन किया है वो हमारे सजातीय बहुपद हैं, तो उसे हमने साथ में लाना है। 5x² के साथ कौन सा बहुपद आएगा, 3x², ठीक है, दोनों ब्लू ब्लू कलर। फिर ग्रीन कलर देखिए, यहाँ पर 5y माइनस 2y, क्योंकि सजातीय बहुपद का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि जिस बहुपद का घात समान हो उसे सजातीय बहुपद कहते हैं। मतलब फिर क्या बचा हमारे पास, एकदम स्काई कलर से हमने अंडरलाइन किया है 9 माइनस 7। इस तरह हमारे सभी पदों को हमने अरेंज कर दिया। अब हम जोड़ेंगे, 5x² प्लस 3x² कितना हो गया, 8x², 5y माइनस 2y कितना हो गया, 3y, फिर 9 माइनस 7 कितना बचा हमारे पास, 2। तो इस तरह हम आसानी से दो बहुपदों को जोड़ सकते हैं। पहले हमें उसे अरेंज करना है इस तरह, सजातीय पद को एकत्रित करके फिर हमें उसे जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, 7x की घाते 4 माइनस 2x का घन प्लस x प्लस 10, ये हमारा पहला बहुपद हो गया। दूसरा क्या है, 3x की घाते 4 प्लस 15x की घाते 3 प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 2। पहले दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, फिर उसे हमने आपको कलर से अंडरलाइन नहीं करना है, मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए हमने कलर से मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि आप समझ सके कि कौन सा बहुपद सजातीय बहुपद है। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है, 7x की घाते 4 और 3x की घाते 4, उसे हमने साथ में लिख दिया। फिर आप देख सकते हैं कि रेड कलर से अंडरलाइन किया है हमने, माइनस 2x की घाते 3 प्लस 15x की घाते 3, उसे हमने साथ में लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर x की घाते 3 के बाद x की घाते 2 आता है, तो यहाँ पर प्लस 9x², 9x² का कोई सजातीय बहुपद नहीं है, वो अकेला है, उसे हमने लिख दिया। फिर माइनस 8x और x, ठीक है। तो फिर उसके बाद संख्या हमारी बची 10 प्लस 2। एक भी बहुपद छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह हमने सबको अरेंज कर दिया, 7x की घाते 4 प्लस 3x की घाते 4 कितना हो गया, 10x की घाते 4, 15x की घाते 3 माइनस 2x की घाते 3 कितना हुआ, 13x की घाते 3 प्लस 9x², फिर माइनस 8x प्लस 8x कितना आएगा, माइनस 8 में
-8 प्लस 1 कितना हो गया 7 एक्स, -7x और 10 2 कितना हो गया 12। तो इस तरह हमने कितना भी बड़ा बहुपद होने दीजिए, आप घात देखिए उसको, सजाती बहुपदों को एक साथ लाइए और जोड़िए, तो कोई कठिनाई हमें नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 5 6 का तीसरा क्वेश्चन, 3p का घन q प्लस 2p स्क्वायर q प्लस 7 और दूसरा बहुपद क्या है, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q प्लस 4p q माइनस 2p का घन q। इस तरह हमने ब्रैकेट में लिख दिया, काले और लाल पेन से कलर से हमने अंडरलाइन किया है कि जो सेम घात वाला है तो उससे हमने फिर से साथ में लिखा 3p का घन q और माइनस 2p का घन q प्लस 2p स्क्वायर q प्लस 2p स्क्वायर q प्लस 4p q प्लस 7। इस तरह हमने सजातीय बहुपद एकत्रित करके लाइन से लिख दिया। अभी 3 में से 2 गया तो 1, तो 3p का घन q माइनस 2p का घन q क्या बचेगा, p का घन q। 2p स्क्वायर q प्लस 2p स्क्वायर q कितना आएगा, 4p स्क्वायर क्यों, फिर हमारे पास क्या बचा, 4pq प्लस 7। तो हमने इस तरह बहुपदों को जोड़ना देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं बहुपदों को घटाइए, बहुपदों को क्या करना है, हमें घटाना है। तो निम्नलिखित बहुपदों को घटाइए, देखिए कैसे घटाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9, दूसरा बहुपद क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। दोनों बहुपद को घटाना, घटाने में आपको सावधानी रखनी है कि क्योंकि घटाने के अंदर दूसरे बहुपद का चिन्ह पूरा परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9 अंदर ऋण चिन्ह जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस 5y और माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 7। सेम कलर से अंडरलाइन किया गया है सजातीय बहुपदों को, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y 9 प्लस 7। ठीक है, देखिए आप 5x स्क्वायर के साथ क्या आया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y के साथ क्या आया, माइनस 5y 9 के साथ क्या आया, 7। तो इस तरह हमने लाइन से सबको लिख दिया। फिर 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2y माइनस 5y क्या हुआ, माइनस 7y, 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो इस तरह हमने पहले बहुपद को घटा दिया। चलिए आगे देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 पहला बहुपद, दूसरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो फिर से हमने दोनों बहुपदों को ब्रैकेट में रखना है, बीच में ऋण का चिन्ह देना है, ऋण चिन्ह खोलते टाइम चिन्ह का अंदर परिवर्तन करना है। हमारे पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ब्रैकेट ओपन किया गया तो प्लस x स्क्वायर क्या बन गया, माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x क्या बन गया, प्लस 2x और प्लस 3 क्या बन गया, माइनस 2। फिर से सजाती पदों को एकत्र कीजिए, पिंक कलर 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, ब्लू कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x और प्लस 2x, ग्रीन कलर 5 प्लस माइनस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना बचा, x स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5x बचा क्या हमारे पास, 5 माइनस 3 प्लस 2। तो इस तरह हम प्रकृत प्रश्न संग्रह 1 के क्वेश्चन नंबर 1-2 हमने 7 हल किया है और आगे हमें क्या क्या बचा है, 8 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो हम आगे भी इसे हल करेंगे, फिर से हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन में से 1 सही उत्तर लिखा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखा कि कौन सा बहुपद का घात लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा, मानक रूप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा, गुणांक रूप देखा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या देखा कि गुणांक रूप दिया है उसे हमने क्या लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या देखा, किस तरह दो बहुपदों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखा,
कि किस तरह दो बहुपदों को घटाते हैं। चलिए आगे हम अब आप लोगों को जो डाउट है वो हम पूछेंगे एक दूसरे से, और किसी को कुछ भी आशंका है तो पूछ लीजिए। इस तरह हमारा प्रकरण 3 बहुपद खत्म होता है, और हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बाकी है वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे, और आप लोगों को जो भी आशंका है अभी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट, किसी को कुछ डाउट है पूछना है। मिस 5 नंबर बताइए। कौन सा 5 नंबर? क्वेश्चन नंबर 5? हाँ ओके ठीक। ये ना निम्नलिखित बहुपदों का घातांक रूप लिखिए। तो हमें देखिए यहाँ पर गुणांक रूप दिया गया, मैंने अभी 2-3 बार बता चुका गया है आप लोगों को। 3 - 2 = 0, 7 और 18। मैंने क्या बताया कि जो गुणांक स्वरूप में लास्ट की संख्या है, जैसे यहाँ पर क्या है 18, तो आप लोग 18 को वैसे ही लिख दीजिए। फिर आगे काउंट कीजिए कितनी संख्याएं हैं, 4, 7, 0, -2, 3। 4 संख्या है ना बेटा, दिख रहे हैं? हेलो यस मिस। हेलो हेलो। हाँ ये एट, हाँ बेटा सुनाई दे रही ना मेरी आवाज? यस मिस। यहाँ पर जो 18, हाँ तो देखो पहला वाला जो दिख रहा है 3 - 2 = 0, 7 और 18 लिखा। अब 18 को आप वैसे उतार दीजिए, प्लस 18 है ना, 18 धनात्मक संख्या, तो प्लस 18 वैसे उतार दीजिए। अब आगे देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं। हम लोग को क्या पहला गैस का घात कितना लिखना पड़ेगा पहली संख्या के साथ, 4। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर 3x की घाते 4 - 2x की घाते 3 + 0x की घाते 2 + 7x + 18। अभी समझ में आया बेटा? यस मिस। अब मुझे, मैं तुमको एक ऑप्शन देती हूँ, तो मुझे उत्तर बताओ ठीक है। यहाँ पर 1, 2, हाँ बोलो मैम। छठवे का पहला बताइए ना। छठवे का पहला बहुपदों को जोड़ना है बेटा, हम लोग 3.1 में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 5x² - 2y + 9, दूसरा बहुपद क्या है 3x² + 5y - 7। आप लोग को कलर दिख रहा है ना, मैंने सेम कलर से अंडरलाइन किया है। यस मैम। 5x² + 3x² साथ में लिख दिए, +5y - 2y साथ में लिख दिए, 9 - 7 साथ में लिख दिए। अब 5x² + 3x² कितना हो गया 8x², 5y - 2y कितना हो गया 3y, और 9 में से 7 गया 2। ठीक है, इसके बाद हमने बहुपदों को जोड़ा। चलिए नेक्स्ट। चलिए और किसी को कुछ डाउट है पूछना है? मैम बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन में जो लास्ट वाला है ना, यहाँ पर 9x² फिर उसके बाद में 7x कैसे आ गया? 9x² वो तो एक ही अकेला बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई सजातीय बहुपद नहीं है ना, लेकिन ठीक है ना, -8x + x 8 में से 1 गया तो कितना आएगा बेटा 8x - x है ना। यहाँ पर देखो ना -8x + x दिख रहा है आगे, हाँ तो 8 - 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, -7 आएगा ना। हाँ टीचर। 8x - समझ में आया बेटा? अभी
ओके वेरी गुड। चलो आगे। और किसी को टाइम हमारे पास कम है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप लोग नोटबुक बनाइए और सब लिखते जाइए, ठीक है? हमारे स्कूल में हम लोग कभी भी मंगाएंगे ऐसा चेक करने के लिए। चलिए ठीक आगे। इससे पैसा आप लेसन ऑब्जर्वेशन मत कीजिए, लिखिए साथ में। हम लोग पढ़ाते तो आप लोग नोटबुक में साथ में लिखते भी जाइए, ठीक है? चलिए आगे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हेलो टीचर, बोलो। टीचर पहला का बताओ ना। क्वेश्चन में फर्स्ट इन फर्स्ट हाँ फर्स्ट में से कौन सा बताऊं बेटा? दो नंबर का टीचर। हाँ, दो नंबर। करनी में सात इस बहुपद का घात बताइए, ठीक है? ये वाला ना हाँ हम लोग के 3.1 में पढ़ चुके हैं। एक अचर बहुपद पढ़े हम लोग ने। एक अचर बहुपद मतलब 6, 7, 8। करनी में कोई भी संख्या जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता। अभी आप लोग बहुपद पढ़ रहे तो कहीं एक्स है, कहीं वाई है, कहीं पी है, कहीं क्यू है, लेकिन करनी में सात के साथ कोई है क्या? अक्षर कोई है क्या? अल्फाबेट नहीं, नहीं। नहीं। तो इसके लिए हमें करनी में सात को क्या कहेंगे? अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है, ठीक है? ठीक है जी। ओके आगे। मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर ये वाला पीडीएफ बनाकर आप 9th ग्रुप में भेज देंगी? ओके बेटा, भेज देंगे हम। वेलकम। ओके टीचर, थैंक यू। हेलो टीचर। हाँ बोलो। पहले का चौथा बताइए। पहले का चौथा। ओके। तो पहले का चौथा तो वेरी इजी। 2x² + 5x की घाते 3 + 7। घात समझ में आता है? कौन सी घात सबसे बड़ी है बताओ जरा। 2x² + 5x 3 + 7। इसमें आपको घात दिख रहा है? घात समझ में आता है ना? घात सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दिख रही है? हेलो हेलो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x³ + 7। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3, ठीक है ना? घात आपको समझ में आता होगा जो ऊपर लिखा रहता है ना? तो इतना क्या हो गया इसका उत्तर? बहुपद का घात क्या होता है? जो बहुपद का सबसे बड़ा घात रहता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर घात कितनी है? 3, ठीक है? नेक्स्ट कौन आगे पूछेगा? आगे किसी को कुछ पूछना है? और हेलो, चलिए समय समाप्त हो गया। हेलो टीचर। हेलो। टीचर हाँ हेलो। पहले का नवा बताइए ना। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं बेटा? हाँ टीचर। हाँ तो देखिए उसमें पहले का नवा देखिए क्या लिखा है। x² - 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 7x³ के गुणनफल से प्राप्त का घात कितना होता है? तो आपको इसमें गुणा करना है। x² का गुणा पूरे ब्रैकेट में कीजिए, फिर -3 का गुणा पूरे ब्रैकेट में कीजिए। गुणा करने पर बहुपद का जो सबसे बड़ी घात आती है
वही इस बहुपद का घात है। ठीक है चलिए आगे। आगे कौन है? प्रश्न संग्रह एक ही पूरे बुक अपने नोटबुक में लिखिए। हमने कहा था लिखा क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हमारे पास सिर्फ 8 to 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो हम लोग वो अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में आने से पहले आप लोग फिर से 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 5 थोड़ा सा एक बार देख के समझ के आइए कि किस तरह जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, तो फिर ही आपको आगे के क्वेश्चन ये 8 to 15 वाले समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।